आज मैं सिलचर NIT में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम मंथन में आया था। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा कि ये देश का जो एक सर्वोच्च तकनीकी संस्थान है और इसके विद्यार्थी आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हिंदी में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गीत, कविता, भाषण, वाद विवाद आदि कर रहे हैं, जिस जोश और उत्साह से भाग ले रहे हैं, इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो देश में भाषा की समस्या है वो समाप्त होगी और पूरा देश एक होकर के हिंदी के माध्यम से विकास करेगा। और राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा के रूप में जो हिंदी जो इस देश में है वो देश को पूरे दुनिया में विश्व गुरु के रूप में फिर से स्थापित करने में सफल होगी। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों और अपने विशेष करके बराक वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। নমস্কাৰ, মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন, জুবিনৰ গানে কি আনে।